difference between preference share and equity share. Okay, the basic difference between equity and preference share. Bases are, first base, right to dividend. यानी डिविडेंड का जो लाभांश का जो पार्ट मिलने का जो राइट्स किसको होता है इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर इज पेड ऑन इक्विटी शेयर. यानी इक्विटी शेयर का पेमेंट डिविडेंड पर देने के पहले कंपनी किसको देती है प्रेफरेंस शेयर को. बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर इट इज द पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर. यानी प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद ही किसको पेमेंट किया जाता है उसको डिविडेंड राइट्स किसको मिलती है इक्विटी शेयर को. And second difference rate of dividend के आधार पे अगर देखा जाए कि rates क्या होती है तो rate of dividend in the case of preference share rate of dividend is fixed. यानी dividend का जो rate होता है in the case of preference share की condition में fix होती है. लेकिन but in the case of equity share की condition में rate of dividend is decided by the board of director and the approval by the shareholder. यानी board of director क्योंकि यहाँ पर dividend जो होती है equity share में उसमें variance होती है कभी increase होता है कभी decrease हो सकती है और ये कौन decide करता है director और किसके approval से shareholder के. And the third difference are convertibility. यानी convert हो सकता है कि नहीं equity share और preference share को convert. convert का मतलब परिवर्तन यानी एक को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है नहीं. in the case of preference share may be convertible to equity share if the term of issue so provided. अगर preference share को convert किया जा सकता है किसमें equity share में अगर term में और condition में पहले से approval किया होगा तब की condition में वो क्या हो सकता है convert हो सकता है. But in the case of equity share are not convertible. यानी equity share को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है. Next आता है error or dividend का मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो error हुआ है जो dividend का जो payment नहीं हुआ है क्या उसका payment कर सकती है और किसको. तो first आती है preference share के point of view से देखा जाए. If the preference share are the cumulative preference share. अगर कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन है तो एरर डिविडेंड पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर. यानी एरर और डिविडेंड पेमेंट होता है किसके पहले इक्विटी शेयर के पहले किसका पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर वालों की पेमेंट होती है. लेकिन इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर एवरी ईयर. इन द केस ऑफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड द कंपनी फॉर कमिंग ईयर. कंपनी पेड नहीं करती किसको नहीं पेड करती है कमिंग ईयर में इक्विटी शेयर को. अगर किसी ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है तब तो उसका पेमेंट करेगी इक्विटी शेयर वाले को. लेकिन अगर इन द केस अगर उसने कोई डिक्लेयर नहीं किया है तो उसका पेमेंट नहीं करेगी ओके इन द कमिंग ईयर में आने वाले सालों में. लेकिन प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन में ऐसा नहीं है. प्रेफरेंस शेयर को हमेशा इन द केस ऑफ क्वालिटी प्रेफरेंस शेयर है तो उसका पेमेंट होना है एरर्स का ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है रिडम्पशन. रिडम्पशन मींस क्या होता है रीपेमेंट. ठीक है रीपेमेंट प्रेफरेंस शेयर मे बी रिडीम्ड. अगर रिडम्पशन की कंडीशन वाली प्रेफरेंस शेयर रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर है तब की कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकती है. लेकिन इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर की कंडीशन द कंपनी मे बैक ऑफ इट्स इक्विटी शेयर. यानी कंपनी इसमें अपने शेयर को बाई बैक के थ्रू परचेस कर सकती है ओके. अब नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स का मतलब क्या हो गया यानी मताधिकार मत देने का अधिकार. इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर वोटिंग राइट्स ओनली इन द स्पेशल सर्कमस्टेंस. यानी वोटिंग राइट्स जो प्रेफरेंस शेयर को होती है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस हो सकती है तभी की कंडीशन में वो हो सकता है. अदरवाइज इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स इन ऑल द सर्कमस्टेंस. यानी इक्विटी शेयर वाले को हर समय पे जब भी कहीं भी वोटिंग की होती है तो वहां पे उसको राइट्स मिलता है कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर ओके. नेक्स्ट आता है आपका रिफंड ऑफ कैपिटल का मतलब कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर उनका पैसा रिफंडिंग का तो उनकी क्या प्रोसेस है. ऑन वाइंडिंग अप यानी जब कंपनी बाइंड होती है यानी बंद होती है द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
इज रीपेड बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड, यानी सबसे पहले किसका पेमेंट होता है, जब वाइंड अप होती है तो कंपनी अपने लीगल एक्सपेंसेस को पेमेंट करती है, डिवेंचर को पेमेंट करती है जो आगे चलकर देखेंगे, उसके बाद जो पहले जो पेमेंट होता है किसके पहले होता है, वो इक्विटी शेयर के पहले किसका पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ओके, अब अगर इसी को हम लोग इक्विटी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इक्विटी शेयर का क्या है, ऑन वाइंडिंग यानी जब कंपनी वाइंड होती है बंद होती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड, यानी उसका इक्विटी शेयर वाले को कब पेमेंट किया जाता है, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर का जब पेमेंट हो जाएगा, शेयर होल्डरों का पेमेंट हो जाएगा, तब किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइट टू पार्टिसिपेटेड इन मैनेजमेंट, किसका अधिकार होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो इन द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव ए राइट टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी राइट्स नहीं होती है किसमें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ओके, लेकिन इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हैज द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होता है। ये तो थे हमारे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कौन कौन से शेयर कैपिटल है और किस हिसाब से हमारे उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।